सुमन जय 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 जगदीश श्री प्रेम शंकर गुरुदेव को सुचरण नवाऊसी हरि बाबा के चरण की रज मस्तक लई धारी नाब पड़ी मझधार में सुखीच लगा जो पार। आदरणीय सभी श्रोता बंधु, आज हम ग्लोबल कैसेट कंपनी बुलंदशहर के माध्यम से आप सभी लोगों के विशेष सम्मान में एक चुनावी जंग लेकर के आ रहे हैं, जो कि श्रीमान जितेंद्र यादव जी के बारे में देखेंगे। गांव गौहत करण प्रकाश जिला संभल की तरफ से दो शब्द श्री हरि के चरणों में, उसके बाद देखेंगे आगे। हरि बाबा को हम सुमिरत थोड़ी करो सहाई और भीड़ पड़ी थी जब खादर पे तुमने बांध दो थुबन भाई और सुमरन कलश टंगे थे बंधा पे पुष्प की लता झकोरा खाई का तो ही मनावे मैया थोड़ी करो सहाई
मज्जू सिंह के बाढ़ले तुमको रहे थे समझा। सुहावन भूमिया जहाँ पैसे रखा धरे होता करणपुर कास्त। यह मजरा लगता है जितेंद्र यादव जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम श्रीमान ओमराज उर्फ श्रीमान पज्जू सिंह है। माता वीरवती देवी की कोख से इनका अवतार हुआ। ऐसा ही नहीं दोस्तों, देखते हैं आगे किस तरह से बबर शेर का जन्म हुआ। अरे निक सुनियो यह जब कहानी, भैया सुनियो यह जब कहानी, और पीड़ा ने मत सतानी। अरे जय महिमा न जाने, बेटा तीन भय थे लासानी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से श्रीमान ओमराज सिंह की धर्मपत्नी वीरवती के गर्भ से प्रथम पुत्र जितेंद्र यादव का जन्म हुआ। उनसे छोटे पुष्पेंद्र यादव, उनसे भी छोटे इसपेंद्र यादव, ये तीनों भाई होनहार पैदा होके आगे की ओर बढ़े। याद रखना दोस्तों, सुनो कहानी आगे की, रामपाल तुम्हें समझाते हैं। जितेंद्र यादव को देख देख ओमराज सिंह हर्षाते पिता।
भी धीरे धीरे बड़े होते चले गए, और जैसे धीरे धीरे बड़े होते चले गए दोस्तों, ऐसा ही नहीं, समय आगे चलता चला गया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो महीना फागुन का बुरी दशा में बदल गया। अरे लगो महीना जब फागुन को घर घर हो तो मंगलाचार, और बुरी घड़ी भैया पे टूटी मुझसे कहता कहिया ना जाई। दुख की दे पताया जो घड़ी को कहा दादा दिए समझाई, सब पे पड़ गई मर्दों सब सताए लो जाई। श्री मान अमराज सिंह सोलंकी
तीनों बेटाओं का। अरे धर्म गिरी थी तीन पति जी तन को सरो कछुनाई हिलकी भर भर आजर रो पति मर्दो ध्यान का विसर ना जाए चले गए। माता पीरवती ने अपने तीनों पुत्रों को बड़े प्रेम से पाला, शिक्षित कराया, लेकिन दोस्तों वो समय निकल गया। और जब समय आगे आया, जितेंद्र ने मन में ठाना कि क्यों ना हम राजनीति में कदम रखें। ऐसा ही नहीं, अरे चुनाव लड़े हम गाँव गो हत से वीरन ध्यानु बिसर ना जाए करनपुर कास्तक मझरा लगिनो बाको हाल दिए समझाई और
कोई गली ना सीसी रोड से भैया हम गाड़ी है छुड़ाई। ऐसा ही नहीं, जिस समय मैदान में कूदा क्या देखा, वाहरे वाह, सोचा मन में क्यों ना अब की बार मैं प्रधान पद का उम्मीदवार बन के मैदान में आऊं, बड़े बड़े विरोधियों के सामने प्रधान पद के उम्मीदवार बन करके मैदान में आए हैं वो जितेंद्र। अरे दीन गरीब को हितकारी सब को लौ का दान लुटाए, और जिनकी जैसी सुनी कहानी छोड़ो कोई ना, ऐसा ही नहीं सूरज, कृष्ण कमान सदा श्री राम, बाणसी जिन्होंने संहारी कर जितेंद्र यादव जी को अपनी मोहरे लगाए दीजो।